हेलो बच्चों, अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू शायद सर एजुकेशन पॉइंट। बेटा आज बात करेंगे दूसरे टॉपिक पे, दैट सेकंड टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर सेकंड इज वुड्स डिस्पैच। देखो कल का लेक्चर जो है, कल का लेक्चर हमने दिया था मैकॉलेज मिनट के ऊपर। मैकॉलेज मिनट क्या है बेसिकली? तो मैकॉलेज मिनट आपको पता है कि जब चार्टर्ड एक्ट 1813 आया, थोड़ा बहुत इसको रिवाइज करेंगे, उसके बाद आप वुड्स डिस्पैच इजीली आपको समझ आएगा। 1813 में आपने देखा कि मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन पे बात हुई थी, या हाउ टू स्पेंड 1 लाख रुपीस, या स्टेट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एजुकेशन, राइट? तो इट इज द स्टेट दैट कैन टेक द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एजुकेशन एंड 1 लाख रुपीज मस्ट बी स्पेंड ऑन द एजुकेशन। तो देयर वाज कंट्रोवर्सी शुरू हुई ऑक्सीडेंटलिस्ट ओरिएंटलिस्ट। तो ओरिएंटलिस्ट जो थे वो चाहते थे कि इंडियन एजुकेशन में, इंडियन जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इंडियन होना चाहिए, लाइक संस्कृत, पर्शियन, अरबिक, ओके। तो जो ऑक्सीडेंटलिस्ट थे, जाहिर सी बात है वो इंग्लिश पीपल थे, तो वो कहां चाहेंगे कि वो संस्कृत को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन दे? जाहिर सी बात है इंग्लिश पीपल थे तो वो सपोर्ट इंग्लिश लैंग्वेज को ही करेंगे ना, इंग्लिश एजुकेशन को ही करेंगे ना। तो ये कंट्रोवर्सी इतनी बढ़ गई। उस वक्त के जो गवर्नर ऑफ जनरल थे, दैट इज लॉर्ड विलियम बेंटिक, तो उसने लॉर्ड मैकॉले को बुलाया। लॉर्ड मैकॉले एक जबरदस्त स्कॉलर थे, ऑरिएटर थे। तो जब वो इंडिया आ गए तो उसने कुछ फोर्सफुल मिनट्स दिए। उस फोर्सफुल मिनट्स, जितने भी मिनट्स उसने दिए ना, जितने भी पॉइंट्स उसने दिए, वो सब पॉइंट्स अगेनिस्ट थे इंडियन एजुकेशन के। हालांकि कंट्रोवर्सी तो एंड हुई। अगर कल आपको ये क्वेश्चन आ जाएगा कि कंट्रोवर्सी किसने एंड अप की, वो लॉर्ड मैकॉले ने की, बट दैट वाज फोर्सफुल। तो फोर्सफुली उसने इंग्लिश को एज ए मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बताया। और यही नहीं, इसने बहुत सारा क्रिटिसिज्म किया है इंडियन लिटरेचर को लेकर। कल अगर आपको याद होगा, मैंने आपको कहा था कि सिंगल शेल्फ ऑफ यूरोपियन लिटरेचर इज वर्थ देन द होल इंडियन लिटरेचर। भाई क्या बात है! तो इंडियन लिटरेचर, चाहे वो संस्कृत है, चाहे वो अरबिक है, चाहे वो पर्शियन है, तो वो उसकी इंपॉर्टेंस नहीं दी गई। किसके द्वारा? लॉर्ड मैकॉले के द्वारा। और उसने कहा कि अगर हम बच्चों को संस्कृत में पढ़ाएंगे, बच्चों को अरबिक में पढ़ाएंगे, बच्चों को पर्शियन में पढ़ाएंगे, तो वी आर टीचिंग देम फॉल्स नॉलेज। तो इसलिए जो ग्रांट गवर्नमेंट से आ रहा है उसको हम यूटिलाइज करेंगे, हम ये सारा जो भी लिटरेचर है इंडिया का वो हम कन्वर्ट करेंगे इंटू द इंग्लिश। तो इसने साइंस एजुकेशन पे सबसे ज्यादा जोर दिया है, इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लगा। सही बात है, आज जो आप इंग्लिश पढ़ रहे हो इट इज बिकॉज ऑफ लॉर्ड मैकॉले, ठीक है, अच्छी बात है भाई। इंग्लिश को इसने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रखा, बट इसको मतलब क्रिटिसाइज भी नहीं करना था। किसको? इंडियन लिटरेचर को। एंड प्लस जो सबसे ज्यादा ड्रॉबैक है, डिमेरिट है लॉर्ड मैकॉले का, वो ये है कि ही एक्सेप्टेड, ही गेव अ थ्योरी कॉल्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। फिल्ट्रेशन थ्योरी में जो एजुकेशन मस्ट बी गिवन ड्रॉप बाय ड्रॉप टू द पीपल, यानी जो सबसे मतलब अगर हम सोसाइटी को देखेंगे, सोसाइटी में अपर मोस्ट लेयर जनरली रिच पीपल होते हैं, देन मिडिल, देन आपको पता है लो कॉस्ट। अभी जो ये सबसे ज्यादा अमीर, अमीर और गरीब, जब ये एजुकेशन होगी रे, खाली इस स्ट्रेटा तक रहेगी, और बाकी जो स्ट्रेटाज है दे विल बी डिप्राइव्ड फ्रॉम द एजुकेशन। सो मास एजुकेशन वाज नेग्लेक्टेड बाय लॉर्ड मैकॉले। आज अगर आप देखोगे ना, इंडिया तरक्की कर रही है बिकॉज एक कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया कि एजुकेशन को आम करो, EFA, एजुकेशन फॉर ऑल। अगर हम एजुकेशन फॉर ऑल करेंगे तो डेफिनेटली देयर इज डेवलपमेंट माय डियर। कोई भी बच्चा किसी भी जात से बिलोंग करता हो, कोई भी मतलब मेल फीमेल एक्सेट्रा, हर किसी को एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। लेकिन लॉर्ड मैकॉले ने क्या किया कि एजुकेशन शुड बी गिवन ड्रॉप बाय ड्रॉप। तो इसका मतलब है जो चार्टर्ड 1813 था उसमें ड्रॉबैक्स थे, तो इसको रिवाइज किया गया। इसको रिवाइज किया गया, और रिवाइज कब किया गया? 1853 में। यस माय डियर, बहुत सारे पॉइंट्स यहां पे थे लॉर्ड मैकॉले में, बहुत सारे डिमेरिट्स थे, उन डिमेरिट्स को पॉइंट आउट करना। तो ये जो है इट वाज रिवाइज्ड, चार्टर्ड एक्ट वाज रिवाइज्ड 1853, ठीक है। तो उस वक्त के जो गवर्नर जनरल थे, दैट वाज लॉर्ड डलहौजी वाज द गवर्नर जनरल।
और इसने चेयरमैन बनाया तो जो लॉर्ड डेलहोजी था, तो चेयर इसने जो चार्लेस वुड को चेयरमैन बनाया, ठीक है, चार्लेस वुड को चेयरमैन बनाया जो कि इंग्लैंड से था, तो इट वाज इन 1854 जब, ओके ध्यान ध्यान रहे, तो बहुत सारे अगर हम देखेंगे 1835 से लेकर 1853 तक, यहां तक तो आप देख सकते हैं कि जो मास एजुकेशन जो था, बहुत सारे ऐसे मतलब मुस्लिम एजुकेशन को नेगलेक्ट किया, वुमेन एजुकेशन को नेगलेक्ट किया, बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स थे जिनको नेगलेक्ट किया गया था, तो इसलिए चार्टर्ड एक्ट 1813 वाज रिवाइज्ड इन 1853। तो किसने, लॉर्ड डेलहौजी ने चेयरमैन बनाया किसको, हाँ माई डियर चार्लेस वुड को, चार्लेस वुड, ठीक है। ये चार्लेस वुड जब इंडिया आ गया, इसने सारी सिचुएशन देखे, वो इंग्लैंड से आया था, सारी सिचुएशन इंडिया में देखी, तो ही टुक द फर्स्ट रेस्पॉन्सिबिलिटी और उसने एक बहुत बड़ा कॉम्प्रहेंसिव रिपोर्ट तैयार किया, और वो रिपोर्ट जो था वो 100 पैराग्राफ पे था। यस माय डियर, तो इसने अच्छी तरह से देखा, इट वाज अ वन मैन कमिटी, खाली एक बंदे ने इसको सारा जो भी मतलब एजुकेशन को लेकर मतलब बात की थी, वुड्स डिस्पैच ने, चार्लेस वुड ने, ही वाज अ सिंगल मैन, he was a single, that's why sometimes it is called a one man report, it is also called as one man committee bolo ya one man report bolo of indian education, right। to bahut sare aise scholars hai, hr jones ya john stuart mill, wo kehte hain ki jo woods dispatch hai, it is called a magna carta of indian education, magna carta means an official document that is having a paramount importance। to ye itna comprehensive report hai, isne bahut कहा तो बहुत कुछ है, बहुत दीगर सवाल है कि वो चीजें इंप्लीमेंट की गई कि नहीं, बट एटलीस्ट बात तो की ना किसने, चार्लेस वुड ने। तो जब ये चार्लेस वुड लॉर्ड डेलहौजी के कहने पे आया इंडिया में रिसर्च की, फिर वो वापस चला गया, वापस जाने के बाद वहां से उसने एक रिपोर्ट तैयार किया और इसको डिस्पैच किया इंडिया, दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड एज वुड इज डिस्पैच। तो याद रखो, ये आपको पता होना चाहिए कि इसको वुड डिस्पैच क्यों कहते हैं, बिकॉज ये इंडिया में ही नहीं लिखा, तैयार नहीं किया गया, तो फिर जब ये चार्लेस वुड इंडिया आ गए, फिर वो वापस चले गए इंग्लैंड, तो वहां जाके एक डिस्पैच किया पार्सल रिपोर्ट, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज व्हाट, चार्लेस वुड इज डिस्पैच। तो वुड इज डिस्पैच का दूसरा नाम है, इट इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडियन एजुकेशन, इट इज द इंपॉर्टेंस, इट इज अ डॉक्यूमेंट हैविंग अ पैरा अमाउंट इंपॉर्टेंस, इट इज अ मैग्ना कार्टा, ये सारी चीजें बेटा इसके साथ रिलेटेड है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट तैयार कब किया गया, 19 जुलाई, यस 19 जुलाई 1854। आप इतना याद रखो भाई, 1854 जो है डेट, इतना आपको याद रखना है बेटा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। तो ये चार्लेस वुड है। अब ये चार्लेस वुड जो है, देखो मैं ऐसे पॉइंट्स थोड़ा बहुत बताऊंगा, फिर आपको नोट्स, अगर आपको चाहिए तो नोट्स भी अवेलेबल है वहां से जाके, बिल्कुल सिंपल है, 8-10 पॉइंट्स में मैंने सारा वुड इज डिस्पैच कवर किया है, वो एक एक पॉइंट्स हम आपको बताएंगे कौन कौन सा पॉइंट मैंने डिस्कस किया। जो लॉर्ड मैकॉले था, उसने नेग्लेक्ट किया मैथ एजुकेशन को, इसका मतलब है उसने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी दी, लेकिन जो चार्लेस वुड थे ना, इसने रिजेक्ट किया डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को, इसने मैथ एजुकेशन के बारे में बात की थी कि एजुकेशन शुड बी सुपरियर टू द मैसेस, एजुकेशन शुड बी सुपरियर, बिकॉज इट इज अ इट्स वी कैन से फंडामेंटल राइट, हम कह सकते हैं हर किसी को एजुकेशन का हक है, ठीक है। नंबर नेक्स्ट, वहां पे कोई डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन नहीं था, उसके बारे में उसने बात की, ठीक है। ही वाज द फर्स्ट पर्सन हु टुक द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एजुकेशन, ठीक, एंड उसने कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रेडेड स्कूल्स दिया, ग्रांट इन एड, ये बहुत सारे लॉर्ड मैकॉले ने क्रिटिसाइज किया ना लिटरेचर को, इंडियन लिटरेचर को, बट उसने कहा कि इट मस्ट नॉट बी क्रिटिसाइज्ड, ओके। बट मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन चार्लेस वुड ने भी कहा कि इंग्लिश ही होना चाहिए, इट शुड, हां, लेकिन क्रिटिसाइज भी नहीं किया किसको, जिस तरह लॉर्ड मैकॉले क्रैक्ड द मलिशियस जोक्स ऑन इंडियन लिटरेचर, वैसे उसने, चार्लेस वुड ने नहीं कहा,
ही रेस्पेक्टेड द इंडियन लिटरेचर. ओके माय डियर, तो बहुत सारे ग्रेडेड स्कूल का कॉन्सेप्ट दिया, ग्रांट इन एड का कॉन्सेप्ट दिया, ये सारे पॉइंट्स हम आपके साथ शेयर करेंगे. जस्ट वेट. ओके माय डियर, द इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन ऑफ चार्लेस वुड और वुड इज डिस्पैच. तो अभी मैंने क्या कहा, वुड इज डिस्पैच जो है इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, कॉम्प्रहेंसिव रिपोर्ट है, फर्स्ट रिपोर्ट है जिसमें एजुकेशन को गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी बताया गया. ठीक है, तो वन मैन कमिटी है और इसको कॉर्नर स्टोन ऑफ इंडियन एजुकेशन भी कहते हैं एंड मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन कहते हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इतना बड़ा पैराग्राफ था, 100 पैराग्राफ है. ओके, बहुत सारे रिकमेंडेशन उसमें कही गई, लेकिन वो फिर दूसरी बात है कि इन रिकमेंडेशन को अप्रूवल मिला कि नहीं मिला. बट बात तो की लॉर्ड मैकॉले ने जो भी कहा, बहुत सारे क्रिटिसिज्म है आपको पता ही है, लेकिन उस क्रिटिसिज्म को दूर करने के लिए इसको रिवाइज किया गया 1854 में. और वो जो इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है बेटा, ये आपके सामने है, 7-8 रिकमेंडेशन है. आप नोट्स में भी बिल्कुल इसी तरह लिखा है, थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा भी लिखा है, यू कैन गो थ्रू दैट. ओके, आप ऐप से डाउनलोड करो या डायरेक्टली मुझे कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करो, आई विल बी प्रोवाइडिंग द नोट्स. ओके, तो चलते बेटा रिकमेंडेशन में. सबसे पहला पॉइंट जो आपको याद रखना है कि चार्लेस वुड जो था, तो इसके कहने पे उसने कहा कि गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करना चाहिए कि एजुकेशन हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है. तो यहां पे गवर्नमेंट इज एक्सेप्टेंस ऑफ एजुकेशन रेस्पॉन्सिबिलिटी. तो चार्लेस वुड ने कहा कि गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको एक्सेप्ट करे कि एजुकेशन इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी. तो इट इज द स्टेट इज रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ एजुकेशन. तो ये पहला पॉइंट, पहला रिकमेंडेशन है चार्लेस वुड का. बेटा मुझे उम्मीद है कि मैं आप ज्यादा फास्ट नहीं बता रहा हूं, क्योंकि मुझे कमेंट मिल रहे हैं सर आप ज्यादा फास्ट पढ़ा रहे हो, समझ में नहीं आ रहा. बेटा उस बच्चे को के लिए जिसको समझ नहीं आया था कल, तो कमेंट सेक्शन में बेटा जरूर लिखना कि आज आपको वाकई समझ आया कि नहीं. देखो मेरे हर एक बच्चे के कमेंट की कदर है, जो भी आप कमेंट करोगे आई हैव टू एक्सेप्ट दैट. ओके, जहां पे मुझे अपनी गलती है मुझे वहां पे उसको ठीक करना है, रेक्टिफाई करना है, बिकॉज यू आर द जस्ट बेस्ट जजेस माय डियर. आपका हक है कि आपको आपको बताना है, लेकिन बताना है, कमेंट में लिखना है. अगर आप नहीं बताओगे तो मैं अपनी गलतियां कैसे सुधारूंगा. ठीक है, तो आपको लगा कि मैं ज्यादा फास्ट चल रहा हूं, तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से पढ़ेंगे. तो ये रिकमेंडेशंस आपको याद रखने हैं. पहला है गवर्नमेंट इज एक्सेप्टेंस ऑफ एजुकेशनल रेस्पॉन्सिबिलिटी. क्लियर? ओके, नंबर सेकेंड, जब चार्लेस वुड इंडिया आया उसने इंटरेस्ट ऑफ द पीपल को देखा. उसने कहा कि भाई पीपल ऑफ द इंडियंस दे मस्ट बी डेवलप्ड, उनका इंटरेस्ट इंटेलेक्चुअल फिटनेस उनमें बढ़ाओ, मॉरलिटी साउंड बढ़ाओ, लेकिन साथ साथ में दे मस्ट लव द ब्रिटिश, दे मस्ट हैव द एक्सेप्टेंस ऑफ द ब्रिटिशर्स. तो दिस मस्ट बी द एम ऑफ एजुकेशन. तो इसने एम ऑफ एजुकेशन को भी रिकमेंड किया. किनके लिए? इंडियंस के लिए. क्या कहा? दोनों चीजें, इंडियन बी एज एन इंडियन बट डोंट हेट ब्रिटिशर्स. तो ये एम है चार्लेस वुड की एम है. नंबर सेकेंड, ओरिएंटल लैंग्वेज. अब देखिए ना, ओरिएंटल लैंग्वेज को डिस्कार्ड किया किसने? लॉर्ड मैकॉले ने. लेकिन चार्लेस वुड ने ओरिएंटल लैंग्वेज को एक्सेप्ट किया. ही उसने ऑल्टुगेदर इसको डिनाय नहीं किया. नो, इसने कहा कि इट मस्ट बी रेस्पेक्टेड. राइट, तो उसने इंपॉर्टेंस बताई इसको. तो उसने संस्कृत को भी इंपॉर्टेंट बताया, अरबी को भी इंपॉर्टेंट बताया, पर्शियन को भी इंपॉर्टेंट बताया, बट नेग्लेक्ट नहीं किया. जिस तरह लॉर्ड मैकॉले ने कहा कि वी टीच फॉल्स नॉलेज व्हेन यू टीच विद संस्कृत, इन टर्म्स ऑफ संस्कृत पर्शियन एंड. ओके, नंबर नेक्स्ट, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन. यहां पे जाहिर सी बात है, चार्लेस वुड सिंस ही वाज एन ब्रिटिशर, ही वाज एन इंग्लिशमैन, तो इसने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, नो डाउट इसने ओरिएंटल लैंग्वेज की कदर की, ओरिएंटल लैंग्वेज को एक्सेप्ट किया, इंपॉर्टेंट बताया, लेकिन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन इंग्लिश ही रखा. गुड, ओके, फाइन. नंबर नेक्स्ट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट्स. तो उस वक्त आपको पता ही है कि जब चार्लेस वुड का जमाना था, वहां पे एजुकेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, एजुकेशन को किस तरह बढ़ाया जाए एटसेट्रा. तो चार्लेस वुड ने जब सारी चीजें देखी, उसने कहा कि भाई पब्लिक इंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट ऑल टुगेदर एबसेंट. तो कोई लुक आफ्टर नहीं करने वाला है स्कूल एजुकेशन को, जो ताकि वो सुपरविजन करे. तो इसलिए इसने क्या कहा, इसने कहा कि भाई जल्द एस्टैब्लिश किया जाए पब्लिक इंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट्स.
पब्लिक इंस्ट्रक्शन, जो भी एजुकेशन के रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगे उनको सुपरवाइज किया जाएगा और अकॉर्डिंगली उन पे काम किया जाएगा। तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, एंट्रेंस एग्जाम में है। तो एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, ये भी एक रिकमेंडेशन है किसका, चार्ल्स वुड का, राइट। नंबर नेक्स्ट, तो जब चार्ल्स वुड ने देखा कि भाई इंडिया में कमी है हायर एजुकेशन की, तो उसने कहा कि तीन जगह ऐसी होनी चाहिए जहां पर यूनिवर्सिटीज बनने चाहिए। तो इसके कहने पे एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज कलकत्ता, बंबई, मद्रास, तो ये तीन यूनिवर्सिटीज एस्टैब्लिश होनी चाहिए। ओके, किसके कहने पे, चार्ल्स वुड के कहने पे। तो चार्ल्स वुड हैज रिकमेंडेड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज कहां कहां पे, कलकत्ता, बंबई, मद्रास। कलकत्ता जिसको कोलकाता, बंबई जिसको आज मुंबई कहते हैं, और मद्रास जिसको चेन्नई कहते हैं। तो उसके बाद 1857 में इन सभी यूनिवर्सिटीज को एस्टैब्लिश किया गया। लेकिन ये किनकी रिकमेंडेशन थी, चार्ल्स वुड की रिकमेंडेशन थी। फाइन बेटा, समझ आया, वेरी गुड। नंबर सेकेंड, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्रेडेड स्कूल्स, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ग्रेडेड स्कूल्स, यानी वी मस्ट यू नो एस्टैब्लिश द ग्रेडेड स्कूल्स। ग्रेडेड स्कूल्स का मतलब क्या है, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, देन कॉलेज एंड देन यूनिवर्सिटी। तो एक हायरआर्की में स्कूल्स को एस्टैब्लिश करो, प्राइमरी स्कूल को भी एस्टैब्लिश करो, सेकेंडरी स्कूल्स को भी एस्टैब्लिश करो, कॉलेजेस को भी और यूनिवर्सिटीज को भी। तो इनको कहते हैं बेटा ग्रेडेड स्कूल्स, राइट माय डियर। ओके, नंबर नेक्स्ट, एक्सपेंशन ऑफ मैस एजुकेशन। लॉर्ड मैकॉले ने क्या कहा, एजुकेशन शुड बी गिवन टू द पीपल ड्रॉप बाय ड्रॉप, यानी मैस एजुकेशन का कॉन्सेप्ट वहां पे नहीं था। लेकिन चार्ल्स वुड ने कहा कि एजुकेशन शुड बी गिवन टू द ऑल। व्हेन यू से गिवन टू ऑल, इट मीन्स एक्सपेंशन ऑफ मैस एजुकेशन, एजुकेशन आम करो, एजुकेशन फॉर ऑल। तो इसने इसका मतलब यहां पे है कि चार्ल्स वुड ने रिजेक्ट किया डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी, राइट। ओके, नंबर नेक्स्ट, ग्रांट इन एड सिस्टम, ये पहला डॉक्यूमेंट है बेटा, इंडिया में पहला डॉक्यूमेंट है जिसने कहा कि इंडिया में जो भी स्कूल चल रहे हैं, लाइक उनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं उनको, इंडिजीनियस स्कूल्स, पाठशालाज रन बाय द इंडियन पीपल, तो उनको उनको ग्रांट प्रोवाइड करो, इनके वहां पे जो टीचर्स है उनको भी ट्रेनिंग दो, समझ आया। तो ग्रांट इन एड मस्ट बी प्रोवाइडेड टू द इंडियन स्कूल, जो इंडियन स्कूल्स खुद रन करते हैं पाठशालाज, या उसको कहते हैं इंडिजीनियस स्कूल्स, उनको ग्रांट दो। नंबर नेक्स्ट पॉइंट, ट्रेनिंग ऑफ टीचर्स। ओके, एजुकेशन फॉर वुमेन एंड मुस्लिम्स, जब चार्ल्स वुड इंडिया आया उसने तीन चार चीजें देखी, उन चार चीजों में उसने देखा कि भाई लैक ऑफ टीचर ट्रेनिंग स्कूल्स, लैक ऑफ वुमेन एजुकेशन एंड लैक ऑफ मुस्लिम एजुकेशन। तो उसने रिकमेंड किया मुस्लिम्स को एजुकेट कराओ, वुमेन को एजुकेट कराओ, टीचर्स के लिए ट्रेनिंग स्कूल्स रखो ताकि एजुकेशन में सुधार आए, समझ आया। तो याद रखना, ट्रेनिंग ऑफ द टीचर्स, एजुकेशन फॉर वुमेन एंड एजुकेशन फॉर मुस्लिम्स, दिस वाज आल्सो रिकमेंडेड बाय चार्ल्स वुड। ओके, एंड लास्ट वन माय डियर, वोकेशनल एजुकेशन। वोकेशनल एजुकेशन में क्राफ्ट सेंटर्ड एजुकेशन है, बिसाइड्स द एकेडमिक्स देयर मस्ट बी सम स्किल ट्रेनिंग, राइट माय डियर। तो ये भी रिकमेंड किया है किसने, चार्ल्स वुड ने। आई होप बेटा आपको ये अच्छी तरह से समझ आया, उसमें आप मेरिट्स और डिमेरिट्स आराम से लिख सकते हो। मेरिट्स में यही पॉइंट्स लाओगे, मेरिट में क्या लिखना है कि ये पहला डॉक्यूमेंट है जिसने कहा कि गवर्नमेंट को एक्सेप्ट करना चाहिए कि एजुकेशन इज आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी। और ये इसमें ये भी आप लिखोगे कि इसने ओरिएंटल लैंग्वेजेस को मतलब रेस्पेक्ट किया। आप ये भी लिख सकते हो इसने पब्लिक इंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, यू नो मेरिट्स में यही आएंगे, ठीक है। तो इट वाज ऑल, डिमेरिट में क्या आएगा कि इसने कहा कि एम ऑफ एजुकेशन, इसने ज्यादा एम ऑफ एजुकेशन में ब्रिटिश एजुकेशन का कॉन्सेप्ट लाया। नंबर सेकंड, मीन ऑफ इंस्ट्रक्शन ने सिटल इंग्लिश दिया, और एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूनिवर्सिटीज तो उसने कहा, बट उनका पैटर्न लंदन यूनिवर्सिटी होना चाहिए। तो इसका मतलब है चार्ल्स वुड भी ज्यादा सपोर्ट किनको कर रहा है,
पिक्चर्स होगा भाई, क्यों नहीं करेगा? अगर आपको पूछा जाएगा अपना अपने लिए ही काम करोगे ना, तो इसमें चाइनीज वुड की कोई गलती नहीं है। लेकिन जो भी रिकमेंडेशन दे दे, जबरदस्त रिकमेंडेशन दिए हैं, वो अलग बात है, उनको फिर बाद में इंप्लीमेंट किया गया नहीं किया गया, दैट द सेकेंडरी थिंग। ओके, आई होप बेटा आपको अच्छे से समझ आया। तो माय डियर, इफ यू रियली नीड माय नोट्स, डू कॉन्टेक्ट यूर शायद सर एंड हैव योर नोट्स, और अपने लर्निंग में आपको इंशाल्लाह बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। थैंक यू, मेला ब्लेस यू एंड कीप ऑलवेज लर्निंग।